सोचिए कि आपके मेहनत से खरीदी हुई जमीन को अगर किसी फ्रॉड के द्वारा एक मिनट में अपना बना लिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब आप जिले के अधिकारियों के पास जाएंगे कि हमको न्याय दिला दीजिए और कोई न्याय आपको नहीं मिला? एम के पास गए, पुलिस के पास जाकर ठाक गए, फिर विधायक के लिए गए और थाने रहे, कोई सुनवाई नहीं है। पैसा हमारे पास है नहीं, बात सुने कुछ नहीं सुने, क्या करेंगे साहब? मांगा था और बात नहीं थी, जो हमारे बन रही है तो मांगा था तो दुनिया नहीं, और क्या करें। ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती जिले के घोरमा परसिया गांव के मौजा मठा से सामने आया है, जहां के एक करीब 70 से 75 साल के बुजुर्ग का जमीन एक व्यक्ति के द्वारा फ्रॉड करके अपना बना लिया गया और उस बुजुर्ग को भूमिहीन कर दिया गया। हमारे साथ वो बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम है चुनमुन। हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना क्या हुई है, और वो जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, और वो कहां का रहने वाला है, और इनके साथ उसने किस तरह से घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ है चुनमुन जी आपके साथ, और किस तरह से वो व्यक्ति आपके पास पहुंचा, और वो कहां का रहने वाला है, और क्या उसने आपके साथ किया है? वो सर रंजीत गांव है, मौजा लोहानी, उनके बाप उसेली गांव है, सर गांव में के नातेदारी है, हुआ फूफा वो सिलसिला से हमारे यहाँ आवे जाएगा। तो साहब हमका कहे कि थोड़ा जमीन फूफा तुहार हथड़ी है, फूफा निकाल न पड़ी हो तो उसका हमका दे दिए साहब, उसका हम दे दिए। अगर फिर जो है कहीं रखवा कुछ कम है तो उसका जो है फूल करो हमारे, और फूल पे दिन हटे रखवा, और साहब लौट के हमें एक पैसा ला दी, और साहब हमसे आवा कहे कि रखवा वो हमारे कम है जो फूल होगा, और चलो ऊपर दाखिल खारिज नहीं भा, और चलो साहब उसका दान गए सूखा तो हमारा दाखिल खारिज हो गया। हम गए सो जान के दाखिल खारिज के बयान गई थी, और साहब हुआ जो सच तक हमारे कोयले के लिखा हुआ और हमका जानकारी नहीं, साहब हुआ नहीं का तो हमसे बयान नहीं रही। कैसे पता चला कि आपकी जो बाकी जमीन बची थी वो उसने अपने नाम करा लिया, क्या हुआ बाद में ऐसा? आगे आवा जब जमीन का चोरी रूपा दिखाई फरवरी में, जब हमला कर आवा तब हमको मालूम भा जाद के नाव हो हमका गरीबों की ही, तो हमका जेह जाकर लाई और जाहिर में लिया उठाई में तू वाई की बाद आगी। मतलब 2 बीघा जमीन आपका उसने आपके मर्जी से बैनामा करवाया, उसका पैसा आपको नहीं दिया, वो आपके पास आया आपसे कहा कि जो 2 बीघा जमीन आपने बैनामा किया है उसमें रकबा कम है, तो फिर आपने उसको बैनामा किया जमीन, कितना जमीन बैनामा आपने किया? 15 बीघा आपने और दिया, उसका 2 बीघा अच्छा और ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद में वो आपके पास लौट के आता है, आपसे ये कहता है कि वो जो जमीन आपने हमको दिया था वो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, आप चलिए दोबारा बयान दीजिए, यही कहा ना उसने? तो हम साहब के दोबारा बयान दीजिए और लिखावे हुआ जो सत्य, अब वो हमें जानकारी नहीं रहा, नहीं हम मांगने दे साहब, और हुआ जब जानकारी भाग जब हमारे यहाँ गवाह जमीन कब्जा करे तब हम साहब जान पावा, तब हम लोग जरूर भाग में चावल जाए और ना हो हम तो कहीं को। अच्छा एक बात आप ये बताइए कि जो जमीन आपने बैनामा उसको पहले किया था वो और जो बाद में किया आपने वो सब मिला के कितना जमीन उसने आपसे बैनामा करवा लिया, कितना जमीन बैनामा आपने कर दिया उसको? उसको जमीन का 5 बीघा कर दी, मतलब 4 बीघा 15 बीघा जमीन आपने उसको बैनामा किया, और कितना पैसा उसने आपको दिया? कुछ नहीं दी, एक तो पैसा नहीं दी, हमारे और मोबाइल नंबर अकाउंट कर ली, या 5 लाख दिन है या 20,000 दिन और 20,000 रखो पैसा। अच्छा इतना सब कुछ आपके पास आपके साथ हो गया, किसी अधिकारी के पास आप गए, किसी के पास गए कंप्लेन आपने किया? किसके पास? सीएम के पास गए, पुलिस का पास बात कर था दरान, फिर विधायक के लिए गए और थाने रहे, कोई सुनवाई नहीं है, पैसा हमारे पास है नहीं, बात सुनवाई कुछ नहीं सुनते।
तो अब क्या करेंगे आप? तो सुनवाई नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सर? मांगा तो हमारे मन नहीं है तो मांगा दुनिया नहीं, हम क्या करें? अब आपके पास जमीन नहीं बचा है? मतलब 2 बीघा जमीन उसने बैनामा करवाया, जिसका नाम रंजीत है, उसका भी पैसा नहीं दिया, और चुनमुन के पास वो पहुंचा और ये कहने लगा कि जो आपने हमको 2 बीघा जमीन बैनामा किया है उसमें रकबा कम है, चलिए आप हमें दोबारा उसको बैनामा कीजिए और जमीन, उसको 2 बीघा पूरा कीजिए। उन्होंने और जमीन उसको बैनामा किया। फिर वो इनके पास आता है और कहता है कि जो आपने हमारी हमें जमीन बैनामा किया है वो जमीन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, चलिए आप बयान दे दीजिए। और जब इनको बयान दिलाने के लिए वहां वो लेके जाता है तो वहां जो इनकी और जमीन बची हुई होती है 2 बीघा, उसको भी वो बैनामा करा देता है। और आज ये जो चुनमुन है वो ऐसे कंडीशन पे आके पहुंच गए हैं कि इनके पास मांगने और खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये श्रावस्ती के डीएम के पास गए, श्रावस्ती के एसपी के पास गए, श्रावस्ती में सत्ता पक्ष के विधायक के पास ये फरियाद लेके गए कि साहब हमारा भी सुन लो, हमें भी न्याय दिला दो, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। विधायक के द्वारा इनकी फरियाद को जरूर सुना गया और वहां से थाने पे जो इनका स्थानीय थाना है वहां के थाना प्रभारी को लिखा गया कि जांच करो और जो भी सत्य हो उस पर कार्रवाई करो, लेकिन ना कोई जांच हुई और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई। आज स्थिति यह हो गई है कि जो बुजुर्ग है जिसका उम्र 70-75 साल है, ये दर बदर भटकने को मजबूर है, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।